लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। अपराधों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सुबह पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पलसु थाना प्रभारी कैलाश चौहान के नेतृत्व में पुलिस थाना प्रांगण से फ्लैग मार्च निकाला। इसमें जिले की IAS फोर्स और पलसु थाना स्टाफ तहसीलदार वंदना चौहान शामिल हुई। फ्लैग मार्च नगर के प्रमुख मार्ग निवाली रोड, मौसम चौराहा, साई कॉलोनी, पुरानी पुलिस चौकी, बस स्टैंड, गणेश मंदिर, सेंधवा रोड आदि मार्गों से होते हुए वापस थाना पहुंचा। लोकसभा चुनाव में मतदान की तारीख के पास आते ही पुलिस ने जनता के बीच पुलिस दल बल सहित नगर के प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च निकाल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से होने के लिए अपनी तैयारी का प्रदर्शन किया। SP यांगचेन ढोलकर भुटिया के निर्देशन में एडिशनल SP सुनीता रावत सहित कोतवाली थाना टीम जिले में आई अतिरिक्त बल के साथ CISF के जवान भी शामिल थे। फ्लैग मार्च के माध्यम से चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करने की अपील भी की गई।